हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीए पार्ट फर्स्ट का पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेके आया हूँ। इसके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, इन दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। जो मैंने पहले पेपर बना के डाले हैं उनमें से भी लगभग क्वेश्चन पड़े हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और इनमें आपके जो पासिंग मार्क्स जो हैं इनके सारे के सारे क्वेश्चन इनमें कवर हो जाएंगे। इसमें देखो, पॉलिटिकल साइंस के और इसके फर्स्ट और सेकेंड पेपर के दोनों कि मैंने 6-6 क्वेश्चन लिए हैं और आपके एग्जाम में भी 6-6 क्वेश्चन आने हैं। बस आपको, अगर आप छोटे वाले क्वेश्चन नहीं करते हो तो इनमें से आपको 3-3 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आपको 50% करना है। तो 50% में आपके ये 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, मतलब 60 नंबर के होंगे। तो आपको, अगर आप छोटे वाले क्वेश्चन नहीं करते हो तो ये बड़े वाले तीनों कर सकते हो। इसमें देखो, आपका पहला क्वेश्चन है व्यवहारवाद को समझाइए, डेविड ईस्टन के अनुसार इसकी विशेषता बतानी है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है राजनीतिक आधुनिकीकरण अवधारणा और इसकी विशेषता बतानी है। उसके बाद देखो, प्रजातांत्रिक व लोकतांत्रिक समाजवाद इसके गुण और दोष के बारे में लिखना है। उदारवाद के प्रमुख तत्व और इसके परंपरागत व आधुनिक उदारवाद के बारे में आपको समझाना है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है व्यवस्थापिका के कार्य आधुनिक समय में इसकी शक्तियों का ह्रास और पतन के कारण लिखना है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखो, आपका जो पॉलिटिकल साइंस सेकेंड का जो पेपर होने वाला है उसके कुछ क्वेश्चन है। देखो, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक व आर्थिक विचारों के बारे में आपको बताना है। सत्य व अहिंसा पर गांधी के विचारों के बारे में बताना है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत व परंपरागत संबंधों के बारे में आपको बताना है। उसके बाद देखो, स्वराज्य स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर तिलक के विचार, मतलब इनके बारे में आपको लिखना है। और शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था का विवेचन आपको करना है। और उसके बाद देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक योगदान। तो इस तरह से मैंने दोनों पेपरों के 6-6 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप छोटे वाले क्वेश्चन नहीं करते हो तो दोनों पेपरों में से 3-3 आपको क्वेश्चन करने हैं। तो जहाँ तक हो सके, मेरा आइडिया ये है कि दोनों पेपरों में से कम आपके 2-2 क्वेश्चन इनमें से हो जाएंगे। अगर हो सके तो तीनों भी हो सकते हैं, 3-3 क्वेश्चन भी इनमें से आ सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहता। तो मतलब 2-2 क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं, आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।